मैट पे इधर 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 पे करिए सभी लोग उधर करिए आपको पैर खोलिए सर पैर खोल दिया जाए आप बोलिए ना पैर फैलाइए दाहिना हाथ से बायां पैर और बायां हाथ से दाहिना दोनों हाथ से दोनों पैर पकड़ लीजिए और नीचे झुकिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन वापिस वापिस आ जाइए हेलो हाँ ध्यान दिया जाए सर अब जो है दोनों पैर ले आइए मिलाइए तितली आसन में तब बताएंगे इसका फायदा तितली आसन वैसे रहिए तितली आसन में बटरफ्लाई चलिए चलाइए इसको कमर सीधा गर्दन सीधा कमर सीधा गर्दन सीधा कमर सीधा कीजिए आप लोग बैठे बैठे सीधा कीजिए सर आप वन पकड़िए ठीक से सर ठीक से पकड़िए सर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवेंटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी वापिस आ जाइए सर वही वही रहिए अब देखिए इसका फायदा देखिए आप जो पैर खोल के किए हैं वो और तितली आसन पैर खोल के करना है वो आ जाएगा भुनमन आसन में पैर पूरा खोल के इसका फायदा है बुढ़ापा में कभी भी आपको यूरिन का प्रॉब्लम नहीं होगा अब प्रोस्टेट है क्या है वो प्रोस्टेट क्या कहते हैं ग्लैंड होता है सर ग्लैंड होता है वो आपको कभी परेशान नहीं करेगा कभी नहीं और हमेशा करना चाहिए क्यों दोनों को मेल फीमेल दोनों के लिए बहुत अच्छा है इससे बहुत सारे फायदे हैं आपका रिप्रोडक्शन सिस्टम का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा दोनों व्यक्ति को और खास तौर पे जैसे जैसे एज बढ़ता है और हमारा प्रोफेशन ऐसा है कि हम अपने यूरिन को रोक के रखते हैं होल्ड करते हैं अच्छा अभी अगले क्लास के बाद ये सोचते सोचते रोकने की वजह से हम लोग की कई सारी बीमारियाँ लग जाती हैं इसकी वजह से अगर ये हम लोग करते रहेंगे तितली आसन बुढ़ापा में कहियो नहीं लगेगा जो पाइप लग जाता है वो पाइप कभी नहीं लगेगा तो ध्यान से जब भी आपको मौका मिलता है तो आपको ये करना है आप थोड़ा सा उसी को फिर तितली आसन में बैठ जाइए और अपने आप को प्रणाम कर लीजिए सर लेके ले जाके नीचे लगा लीजिए हाँ पकड़ के रखेंगे सर पकड़िए के रखेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन वापिस हुआ है ना स्ट्रेच हुआ ठीक
चलिए आगे हम लोग चलते हैं, लेट जाइए आप लोग सभी लोग, सभी इधर फेस करिए और लेट जाइए। चलिए राइट लेग उठा दीजिए आप लोग, दाहिना पैर उठाइए, दाहिना पैर सभी लोग दाहिना पैर उठा देंगे, यही रोक के रखेंगे, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, बाकी दूसरा पैर, पैर वजह सुन भाई, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 वापी भाई थोड़ा पैर ऊपर टांग और ऊपर क्या है ये हवा का है ऊपर टांग है मैं आप जाने क्या कहा ये तीनों ने हो जाए तो हम कजरा नीचे चलिए अब उसी पैर को उठाना है और धीरे से पंजा पकड़ के उसको स्ट्रेच कर देना है। दाहिना पैर पकड़िए, पंजा उसका पकड़ लीजिए, कमर में दर्द वाले की कोशिश नहीं करिए जाओ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 नाउ दूसरा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 वापिस चलिए आप पैर मोड़ लीजिए, कमर दर्द वालों के लिए स्पेशली अर्ध पवन मुक्त आसन, एक पैर मोड़िए पकड़िए कमर दर्द नहीं से क्या करें, मोड़ के रखिए अर्ध पवन मुक्त आसन, नीचे वाला पैर सीधा रखिए, दबाइए पूरा, कितना दबा सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 चेंज कीजिए, दूसरा पैर 1, 2 नीचे वाला पैर सीधा रखिए, फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन दोनों एक साथ पवन मुक्तासन दबा दीजिए, गर्दन अभी नहीं उठाना है, दोनों पैर को इंटरलॉक कीजिए, फिंगर एकदम प्रेस करिए, 1, 2, 3, 4 पैर को क्रॉस नहीं करना है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 वापिस कमर दर्द जो है सर, अगर किसी को बहुत ज्यादा दर्द है तो पहला पवन आसन के बाद पवन आराम से लेट जाइए, आराम से लेटिए, शवासन में बॉडी को ढीला छोड़िए, गेस्ट हाउस
सांस भरिए, आराम से लेट जाइए, आराम से लेट जाइए, सब आसन में लेट जाइए, सांस भरेंगे, पेट ऊपर आएगा, सांस छोड़ेंगे नीचे, 10 बार सर योगाभ्यास किया केवल सांस भरना है और छोड़ना है। लंबा सांस भरिए और छोड़िए। केवल लंबा सांस भरना है छोड़ना है। सांस भरते वक्त ठंडा महसूस कीजिए और छोड़ते वक्त गर्म। जब सांस भरेंगे हम ठंडा महसूस होगा और छोड़ेंगे तो गर्म महसूस होगा। हाथ सब साइड में रखा जाए, सिराना नहीं, साइड में रखिए। जैसे जैसे बोलेंगे वैसे ध्यान देना है। ध्यान राइट लेग टू एंकल काफ नी थाई बटन रिलैक्स। आपको ध्यान देना है, पैर वैर नहीं उठाना है, आप मन लेके जाना है। वैसे लेटे रहना है, जहां बोल रहे हैं अपना ध्यान वहीं लेके चले जाना है, बंद आंख रखना है। ध्यान लेफ्ट पे, लेफ्ट लेग टू एंकल काफ नी थाई बटन, कमर से नीचे दोनों पैर बिल्कुल रिलैक्स। क्या है सर, है कल रिफिल समाप्त हो गया, नहीं चल रहा है। यहाँ स्पाइन पर रीढ़ की हड्डी पे दीजिए। सबसे पहले टेलबॉन कॉक्सिक, इसमें भी कुछ लग जाएगा, लंबर हैंड साइड ऑफ द बॉडी थोरैसिक, लंबर कहते हैं कमर वाले भाग को, थोरैसिक छाती वाले भाग को, पीछे जो है सर्वाइकल जो गर्दन में है। बिल्कुल ध्यान रखेंगे स्पाइन पे एक एक जो रीढ़ की हड्डी है, एक एक 33 सभी को ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल रिलैक्स महसूस करेंगे। फिर लोअर बैक मसल्स, अपर बैक मसल्स, लोअर एब्डोमिनल, अपर एब्डोमिनल, रिब्स, पसलियों पे ध्यान देंगे। फिर चेस्ट, दाहिना हाथ बायां हाथ, गर्दन और पूरा सर, स्कल को देखिए। इसी प्रकार अपने आप को टो टू हैड टू टो एक से दो बार पूरे बॉडी का निरीक्षण कीजिए और मन को शांत कीजिए। अभी भी कहीं शरीर में कहीं खिंचाव तनाव महसूस हो रहा है तो वहां अपना ध्यान ले जाइए और उसे मन ही मन रिलैक्स कीजिए। अब ध्यान सांस पे, सांस भरते वक्त ठंडा महसूस होगा
और छोड़ते वक्त गर्म, नॉर्मल नहीं, जानबूझ के सांस को नहीं भरना है, नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे तो सांस जब भरते हैं तो आपको ठंडा है। आप ध्यान दीजिए केवल ब्रीदिंग के ऊपर कि जो आप सांस भर रहे हैं वो आपको ठंडा महसूस हो रहा है और छोड़ते वक्त गर्म, केवल उसी पे ध्यान देना है। जितना ध्यान देंगे मन और शरीर जुड़ेगा और बॉडी अपने आप शिथिल रिलैक्स शांत हो जाए। धीरे धीरे हाथों पैरों में मूवमेंट करेंगे, दाहिने करवट लेट जाएंगे, हाथ का तकिया बनाएंगे और आराम से लेटे रहेंगे, आंख नहीं खोलेंगे। दाहिने करवट फिर साइड चेंज कीजिए, बाएं करवट जाइए, आराम से बैठ जाइए। हाथ का सहारा लेते हुए, हाथ का सहारा लेते हुए और साइड से उठना होता है, सीधा उठिएगा कमर दर्द हो जाएगा। हाथ का सहारा लेते हुए दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में ले आइए। अपने इष्ट देव गुरु माता पिता सभी को नमस्कार कीजिए और आराम से दोनों हाथों को हथेली वापस रख दीजिए, पलकों पर रखिए और धीरे धीरे वापस आ जाइए। आज आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ
आप सभी का चरण स्पर्श एक गुरु होने के नाते, और कुछ हम उम्मीद रखते हैं कि हमारी बातों से कभी किसी को बुरा लग जाए तो हमें माफ करेंगे। और ये बोलने का एक ही कारण होता है, थोड़ा डिसिप्लिन मेंटेन करने के। तो आप सभी को आज फिर से, क्योंकि जो बहुत 20 साल 25 साल हो गया जिनको पढ़ाते हुए, वो हमारे जैसे पता नहीं कितने लोगों को पढ़ा के क्या क्या बना दिए हैं, इसलिए आप सभी को फिर से एक बार नमस्कार प्रणाम। फिर हम कल मिलेंगे इसी समय। हाँ सर, आप सभी से निवेदन है कि एक तो समय से आ जाएंगे, और एक फिर एक और निवेदन है कि सर लाइन से जो चलता है उसको चलने दिया जाए। ये नहीं कि ये मेरे दोस्त हैं, ये क्या दुश्मन थोड़ी ना है कि हम एक ही जिला के हैं तो पहले हम ही लोग कर लें। थोड़ा सा रखेंगे डिसिप्लिन तो अच्छा लगता है। आप पेन लेके आना है सर, हम लोग पेन जो है ना एक मिलता है महीना दिन, और उसी में से मास्टर साहब एक आदमी लेंगे, वो जान बुझ के नहीं लेते।